सो हाय गाइस, आदर्श है एकदम। रात रात को यार एनटीए वालों ने अभी आप लोगों का जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट को आउट कर दिया है, और आप लोग यार अभी सोए होंगे, तो आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट जे वहां से जाके आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिजल्ट जेईई मेन्स की वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहां पे सेशन 2 की रिजल्ट को आप लोग वहां पे क्लिक कीजिएगा, और वहां पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी रिजल्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो जब आप लोग अपनी रिजल्ट को यार चेक करोगे तो वहां पे आप लोगों को दो रैंक दिख रही होगी। एक रैंक दिख रही होगी आपकी कैटेगरी रैंक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी एससी एसटी हो तो आप लोगों को कैटेगरी रैंक दिखेगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको जनरल रैंक वहां पे ऑल इंडिया रैंक दिखेगा। तो अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हो तो आप लोगों को यार जो आपकी कैटेगरी रैंक है वो काम देगी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको वो रैंक काम देगी। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी आप लोगों की रिजल्ट आई है, आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको किस रैंक पे कौन सी कॉलेज मिलेगी। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, JEE 360 को डाउनलोड कीजिए। और इस साल मैं आप लोगों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट के लिए भी सोच रहा हूं, डेफिनेटली वो पेड होगी, लेकिन एक 1-to-1 जैसा होता है ना वो, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐप को डाउनलोड करके साइन इन कीजिएगा। और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कि उनके एप्लीकेशन फोन पे ना चले, क्योंकि उनकी फोन थोड़ी सी पुरानी होगी इसी वजह से, लेकिन हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जल्दी ही ये ऐप कॉलेज प्रिडिक्टर जो है वो आपके मोबाइल पर भी काम करेगा। आप थोड़ा सा 3-4 दिन का थोड़ा सा सब्र रखिए, हम लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे कॉलेज प्रिडिक्टर आता है, आपकी रैंक कुछ भी हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, आप एक बार उसको सर्च कीजिए, वहाँ पे देखिए कि आपको वहाँ पे कोई कॉलेज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको वहाँ पे कोई कॉलेज शो कर रहा होगा तो आप लोगों को वो कॉलेज मिलेगा, और अगर आप लोगों को वहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे होम स्टेट मैंने ऐड कर दिया, उसी के तरीके से आप लोग कैटेगरी वगैरह भी पुट करके अपनी रैंक चेक कर सकते हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे यार लिंक दिया है एप्लीकेशन का, हमारी JEE 360, इस पे आप लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज 5-स्टार रेटिंग दीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का हो सकता है कि ऐप ना चले उसके फोन में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना यार, हम लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, और जल्द ही आप लोगों के पास मैं एक अपडेट लेके आऊंगा जहां पे आप लोगों को इसकी जो भी दुविधा है उस दुविधा को सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया ताकि मैं सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊं, और कॉलेज रिव्यूज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं बहुत सारे, वहां पे जाके आप लोग मेरे कॉलेज रिव्यूज को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज आने वाले दिनों में और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।